राहुल, हर कोई ये बोलता है कि सुजीत पांडे झूठ नहीं बोलता। मैं किसी का हक नहीं खाया हूँ, और सरपंच और सुजीत पांडे मिलके ये सब लड़ाई लगवा रहे मैं हैं। आई किस लिए थी? ताकि तुम सब लोगों का पैसा मिल जाए, इसीलिए तो मैं आई थी। तो अब मैं तो किसी और के अकाउंट में मंगवाए हो, मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं लिया हूँ, सच बोल तो रहा हूँ कि तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया ना। अच्छा मैं झूठा हूँ, मतलब तुमसे झूठ बोलूंगा? सुनो तो सही, क्या बात तो सुनो। सुना है? अरे क्या हुआ, क्या बात सुना सुनोगी? ऐसे झूठे इंसान से मैं क्या बात करूं? अरे झूठा इंसान, अगर विश्वास तो करो कि मैंने किसी का पैसा नहीं लिया है। क्या विश्वास करूं? बहुत विश्वास मैंने कर लिया है, अब मुझे कोई विश्वास सुनो, क्या विश्वास कर लिया है बताओ ना। मैं, मेरा अकाउंट तो चेक कर लो, मैं किसी का पैसा नहीं लिया हूँ, ठीक है? बस अकाउंट से मुझे क्या लेना है, क्या पता किसी और के अकाउंट में मंगवाए हो। फिर मतलब नहीं रुकोगी, यही चाहती हो? तो मैं चला जाऊं? तो आई क्यों जब इतना झूठा अगर साबित कर दी तो बोलो ना। तो मैं आई थी ना आज, लेकिन तुमने मुझे ही झूठा साबित कर दिया, मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा मैं झूठा हूँ, मतलब तुमसे झूठ बोलूंगा? मुझे तुमसे कोई बात? अरे यार पागल मत बनो यार, सुनो एक काम करो तो सही यार, पहले क्या सुनो सुनूं मैं? मुझे सुनो, नहीं सुनना। अच्छा ठीक है, मेरे लिए 2 मिनट बैठो, सुनो 2 मिनट बैठ जाओ। ये बताओ कि मतलब मैं पैसा लिया हूँ, तुम भी विश्वास कर गई? नहीं लिया हूँ, सच बोल रहा हूँ कि तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया ना। मैंने लिया ही नहीं है तो कैसे बताऊँ? लिया रहता तब ना बताता तुम्हें। नहीं लिया हूँ तो कैसे बताऊँ, बताऊँ? तो सब लोग वो बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो वो लोग उन्होंने बोल रहे, ट्रांजैक्शन देखी है या किसने समझी देखा है? है ट्रांजैक्शन मेरा, फोन खोल के तुम देख लो ना। तो किसी और के अकाउंट में मंगवाए हो, मैं क्या कर सकती हूँ फिर? तो वो लोग दिखा देना मुझे, या तुम्हें कोई तो दिखा दे, बिना दिखाए किसी पे विश्वास कर गई? तो ऐसे ही बिना कुछ किए कोई क्यों बोलेगा ये अरे बताओ। वो लोग झूठ बोल रहा है, ठीक है जो भी है झूठ बोल रहा है लोग। तुम सच ऐसा बोल रहे हो? मैं पैसा नहीं लिया हूँ उन लोगों का, और ना सुजीत पांडे मुझे दिए हैं, ठीक है? वो मैं आई झगड़ा किस लड़वा रहे लिए हैं, सुनो वो झगड़ा लड़ा रहे हैं बस कि टीम इन लोगों का बिखर जाए और ये लोग पैसा छोड़ के चला जाए, ठीक है? ये सोच रहा है लोग सब कोई, और तुम हो कि मेरे पे ही मतलब डाउट कर रही हो कि मैंने पैसा लिया है। तुम पे मैं इतना विश्वास करता था, लेकिन तुम भी विश्वास नहीं कर रही हो आजकल। क्या विश्वास नहीं कर रही हूँ? जब विश्वास तोड़ने वाली बातें हो रही हैं तो मैं क्या क्या कर विश्वास सकती तोड़ हूँ? दिया हूँ बताओ ना। मैं आई किस लिए थी? ताकि तुम सब लोगों का पैसा मिल जाए, इसीलिए तो मैं आई थी। तो मैं क्या मतलब मैं घूम रहा हूँ क्या? मैं भी तो पैसे के लिए घूम रहा हूँ ना। और सुजीत पांडे जितना भी बोल रहे हैं सब झूठ बात है, मुझे पैसा कोई नहीं मिला है। और तुम जो शक कर रही हो ना कि हाँ सबका हक मार के मैं बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो मैं क्या समझूं, मैं क्या करूं ये अरे बताओ? क्या सारे लोग मेरे सर पे ऐसे चढ़ के तांडव कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो तुम्हें तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि किसी कोई बुला रहा है तो जा क्यों रही हो, बताओ ना। तुम खुद से चली जा रही हो मेरा बिना पूछे ना बताए, कहीं ऐसे ही चले जा रही हो। तो मैं क्या करूं? तुम टाइम पे ना फोन उठाओगे और ना मिलोगे तो मैं क्या करूंगी? खुद ही जाना पड़ेगा तो मुझे। मतलब ये बताओ, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं पैसा ले लिया हूँ? पहले तो सब कोई बोलते थे, लेकिन अब तुम भी मान रही हो कि पैसा लिया मैं हूँ? और क्या करूं, ना चाहके मुझे मानना पड़ेगा। जब तुम ना फोन उठाओगे तो मानना तो पड़ेगा ना। 2-3 बार मैंने कॉल किया, ना किसी कॉल का आंसर, ना कुछ। तो मैं क्या तो मतलब करूं? तुम्हें लगता है कि मतलब मैं पैसा खा गया, सबका हक खा गया? रवि रंजन जय का हक सुजीत पांडे ने दिया और मैं सबका हक खा गया? नहीं, यही लगता है ना तुम्हें? मैं किसी का हक नहीं खाया हूँ, और सरपंच और सुजीत पांडे मिलके ये सब लड़ाई लगवा रहे हैं ताकि ये लोग बिखर के और अपना अपना घर चले जाए, ठीक है? मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन और उन मुझे लोगों ने जैसा लग रहा है ना कि ये जैसा हो रहा है ना, ये पूरा सुजीत पांडे का टीम पूरा बर्बाद होकर रह जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं रखा हुआ है, बस ये मतलब थोड़े थोड़े पैसे के लिए सब कोई झगड़ा आपस में करके और इतना मतलब बेकार बन रहा है, ठीक है? तो अभी क्या सच्चाई है तुम्हें तुम तो क्या बताओ लगता है? नहीं, मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं पैसा लिया हूँ लोगों का? मुझे नहीं लगता। अगर मैं ही तुम्हारे पैसे दिलवाने के लिए आई हूँ तो मुझसे बिना पूछे तो कुछ करोगे नहीं इस तो बारे मैं में। पैसा नहीं लिया फिर भी तुम बोले जा रही हो कि लिया हूँ? अगर कोई मैं बुलाता और है, क्या कोई तुम्हें करूँ? अगर कान भर दे तो हो गया? अच्छा मेरी जगह पे तुम भी होते शायद तुम भी यही करते। मतलब मैं सुनो, अगर तुम मतलब कोई भी अगर प्रूफ कोई दिखाए तब ना। सरपंच जाके उधर से मिल गया सुजीत पांडे से, अगर वो लड़की के साथ गलत नहीं किया होता तो मिलता क्या सरपंच? उसका वीडियो इसलिए रखा हूँ कि ताकि किसी से 50% लेना, क्योंकि सबका हक का पैसा है। और तुम भी मतलब तुम्हें कौन बोल दिया बताओ ना, तुम्हें कौन बोल दिया सरपंच और रवि रंजन से मेरी बात हुई थी कि राहुल पैसा ले लिया और तुम मान गई? नहीं, उन लोगों से बात करके मतलब समझ गई कि तो हाँ राहुल, हर कोई ये बोलता है कि सुजीत पांडे झूठ नहीं बोलता। अच्छा सुजीत पांडे झूठ नहीं बोलता है तो दिखाओ ना कहाँ पे है। सुजीत पांडे आके दिखाएगा ना, कोई भी अगर जहाँ पे पैसा भेजा होगा दिखाएगा ना। मैंने भी यही बोला, लेकिन वो दस लोग लाख सीना का ठोक के ये बातें बोल रहे हैं। तो दिखाना चाहिए ना, 10 लाख का ट्रांजैक्शन कहाँ पे है, दिखाना चाहिए ना। शायद मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने विश्वास तुम किया। भग रही हो, गुस्सा हो के चली जाओगी घर पे, कहाँ पे जा रही थी ये बताओ ना। चली जाती कहीं भी। कहाँ पे जाती तो फिर 2 दिन के लिए क्यों आई जब जाना ही था? तो मैंने सोचा ना, जब मेरा कोई काम ही नहीं है, आपस में क्या खिचड़ी पक रही है वो खुद ही संभाल लोगे फिर। मतलब थोड़ी मोड़ी बात के लिए
गुस्सा होकर चले जाना है, फिर क्या करोगी? फिर गलती मेरी हो गई ना, जो मैंने थोड़ा वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया। एक बार सुजीत पांडे जो इतना दावा कर रहा है ना, एक बार मुझे पब्लिक के सामने लाकर दिखा देना कैमरे में, कैमरे के सामने कि हाँ मैंने ट्रांजैक्शन किया है 10 लाख रुपया राहुल सिंह के अकाउंट में, या किसी के अकाउंट में भी 10 लाख का दिखा दे। मेरा जो 8 लाख था मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरा पैसा आ गया है, ऐसा थोड़ी है। उन लोगों के मतलब सबके पैसे के लिए लड़ रहा हूँ और फिर झूठ बोलूंगा कि हाँ पैसा आया है कि नहीं आया है। तो उन लोगों ने यही तो बोला, 10 लाख एक्स्ट्रा दिए सुजीत पांडे ने। सब झूठ बात है, सुजीत पांडे बस सब में झगड़ा लड़वा रहे हैं कि ये लोग झगड़ा करेगा और चला जाएगा लोग यहाँ से, ठीक है? और ये लोग बाकी ये जय और रवि रंजन समझ नहीं रहा है, ठीक है? तुम्हारे बारे में वही लोग है ना बोल रहा है कि आयासी राहुल और तुम्हारे चक्कर में कुछ चल रहा है, ऐसा वैसा वही लोग बोल रहा है ना। टीम है फिर ये, मुझे ये बताओ कैसी टीम है ये? तो खुद से अगर सब में अगर एकता नहीं रहेगा तो यही होगा ना, ये बताओ ना। सब में अगर एकता रहना चाहिए ना। मुझसे गलती हो गई, सॉरी उस चीज के लिए। अब मैं देखो बार बार ऐसा मत बोलो कि छोड़ के चले जाऊंगी, ठीक है? बुरा लगता है मुझे भी।